दिल्ली में जितने भी सौंदर्यकरण का काम हुआ है वो ज़्यादातर हिस्सा पीडब्ल्यूडी और एनसीडी का है, और इन दो एजेंसीज ने कई महीनों से यहाँ पे काम किया है। मुख्यतः एनसीडी ने कई मार्केट्स का पूरा फेस लिफ्टिंग किया है, जिसके अंदर साउथ एक्स पार्ट वन पार्ट टू मार्केट्स हैं, लाजपत नगर मार्केट है, पीवीआर अनुपम का पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आप जाएंगे तो पूरा का पूरा फेस लिफ्टिंग किया है, ग्रेनाइट सैंडस्टोन जहाँ पे पार्किंग एरिया होता है, ड्रेनेज सिस्टम सारा का सारा नया खड़ा किया गया है। आरके पूरा मार्केट की पूरी फेस लिफ्टिंग की गई है। चार मीनार पार्क महिपालपुर का जो एरिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम वहाँ पे एनसीडी द्वारा किया गया है। जो हमारी एम ब्लॉक मार्केट है GK2 की, इसके अंदर एक G20 पार्क डेवलप किया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे राजघाट, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर, आईपी एस्टेट और ये पूरा प्रगति मैदान वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो इसका बहुत सौंदर्यकरण किया है, और बड़े बड़े स्कल्पचर्स वेस्ट से बने हुए स्कल्पचर्स जो है, जो म्यूजिशियंस के बड़े बड़े स्कल्पचर्स लगाए गए हैं जिसके अंदर लाइट वगैरह जलती है, तो रात को बहुत सुंदर नज़ारा वहाँ पे नज़र आता है। और इसके अंदर करीब 250 मीट्रिक टन स्क्रैप इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग पे शहीदी पार्क भी इसी तरीके से स्क्रैप से बहुत सुंदर शहीदों को याद करते हुए एक पार्क बनाया गया है। और बड़े पैमाने पे आप देखेंगे तो एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सभी विभाग जो है महीनों से इस G20 की तैयारियों में लगे हुए थे, और वो तैयारियां आज पूरी हो गई है। और हम लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से विदेशी मेहमानों का स्वागत करें।